दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन है, सतना में स्थित है जो भरत स्तूप, इसकी खोज किसने की थी। देखिए सतना में भरत स्तूप है और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो सतना में स्थित है भरत स्तूप। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भरत स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सतना में स्थित है और एक स्तूप सांची में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी प्लिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के जो मंदिर हैं वो प्रसिद्ध हैं और इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय किस धर्म का भाग है। तो लिंगायत संप्रदाय है जो शैव धर्म का भाग है, ठीक है। तो लिंगायत संप्रदाय किस धर्म का भाग है, शैव धर्म का भाग है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए बुद्ध से और महावीर से क्वेश्चन बन सकते हैं और यह सब आपको पढ़ना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। बुद्ध और महावीर जैन, इनके लिए आप थोड़ा थोड़ा इनकी जीवनी वगैरह पढ़ लीजिए, परिचय वगैरह, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा जनसाधारण को उपदेश किस भाषा में दिए गए थे। तो बुद्ध द्वारा जो जनसाधारण को उपदेश दिए गए थे वो पाली भाषा में दिए गए थे। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उस पर भारत, देखिए कोसी परियोजना है दो राज्यों नहीं है, दो राष्ट्रों की संयुक्त परियोजना है, यानी भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। भारत और नेपाल संबंध अभी काफ़ी चर्चा में थे और सीमा विवाद के कारण, और इसलिए सुगौल की संधि कब हुई थी, यह क्वेश्चन बन सकता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो के पी शर्मा ओली कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, या किस देश में जो वहाँ की संसद को भंग कर दिया गया है, तो ये सब नेपाल को कर दिया गया है, ठीक है। और कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है, आप यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है। तो एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशन द्वितीय से। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे, पुलकेशन द्वितीय से। देखिए पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। यह क्वेश्चन बनता है कि किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन अभी एक शासक थे और इन्हें छठवीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी में, तो इन्हें पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया था। नेक्स्ट है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 की विजेता कौन सी टीम है। देखिए जैसे अपने यहाँ आईपीएल होता है इंडिया में, ऐसी अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग होता है, इसके अलावा ऐसे ये वेस्ट इंडीज टाइप के जो देश हैं, मतलब वेस्ट इंडीज में जो अलग अलग टापू हैं, वो अलग अलग वो जगह हैं, वो अलग अलग देश हैं, तो ऐसे वहाँ पर होता है कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इसकी जो विजेता थी 2020 में वो थी त्रिनबागो नाइट राइडर्स। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईपीएल 2020 किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता। और 2021 का अभी चल रहा है कहाँ पर, यूएई में, यूएई में चल रहा है, ठीक है। और सबसे महंगे कौन से खिलाड़ी बिके आईपीएल में 2021 की नीलामी में, तो वो बिके क्रिस मॉरिस, कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, अपन को अब आगे का थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जो भूकंप आते हैं इन्हें किस स्केल पर या किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भूकंप वगैरह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना पहली बार कब की गई थी। देखिए पद्म पुरस्कार न्यूज में है, पद्म पुरस्कार की पहली बार स्थापना मतलब पहली बार दिए गए थे 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे। और 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार देखिए होते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीन होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट होता है वो होता है पद्म विभूषण, तो वो 2020 में दिया गया था 7 व्यक्तियों को, और इनमें एक थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी। तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने जो पद्म विभूषण दिया है वो किस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को दिया है, तो शिंजो आबे को दिया है, और वो कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो जापान के हैं, तो ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से, 1954 से। पद्म पुरस्कार में कौन कौन आ जाते हैं, देखो पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से आई। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जुडिशियल एक्टिविज्म होता है शायद, मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, इसका एक और वर्ड होता है, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता आप हिंदी में समझ लीजिए, इसकी अवधारणा आई है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसे यूएसए कहते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिका से लिए गए थे, ठीक है।
तो और अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, वो किस पार्टी से संबंधित हैं और कौन से नंबर के बने हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है। और कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा वहाँ के पूर्व जो पहले राष्ट्रपति, इसके मतलब दो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, जो दो बार चुने गए थे, तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। उनने एक बुक लिखी है ए प्रोमिस्ड लैंड, तो वो बुक भी काफ़ी फेमस है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि ए प्रोमिस्ड लैंड फेमस जो काफ़ी किताब चर्चा में, वो किसने लिखी, तो बराक ओबामा ने लिखी है। और अमेरिका से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अमेरिका में हेडक्वार्टर हैं जो यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसी हैं, तो वो सब भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। मुख्यमंत्री का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर यानी CM, इसे शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। नए जो मुख्यमंत्री बने हैं 4-5-6 और नए राज्यपाल, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर आ गए तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाने चाहिए। नए राज्यपाल बने 4-5 राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश के भी बने हैं, तो वो सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा नए मुख्यमंत्री बने, चाहे वो तमिलनाडु के बने हों, चाहे वो असम के बने हों, उत्तराखंड के बने हों, पंजाब के बन रहे हों या बन जाएंगे, जो भी है, तो ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियों द्वारा भारत किस देश से अलग होता है। पूर्वांचल की पहाड़ियों द्वारा भारत किस देश से अलग होता है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को म्यांमार देश से अलग करती हैं। म्यांमार से भारत सीमा साझा करता है, और भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, यह आपको बताना है। और भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अब म्यांमार न्यूज में है, म्यांमार में क्या है, आर्मी का शासन हो गया है। वहाँ पहले आंग सान सू की थी, ठीक है, तो अब वहाँ पर आर्मी का रूल हो गया है म्यांमार को, और म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी भी दी है INS सिंधु वीर, तो क्वेश्चन है इनसे यह बन सकते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है। सरकारी आयोग संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से सरकारी आयोग का संबंध है। नेक्स्ट है, किम्बर्ली प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो किम्बर्ली एक प्रक्रिया होती है, मतलब एक प्रोसेस है किम्बर्ली, और यह हीरे से होती है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि किम्बर्ली प्रक्रिया किससे संबंधित है, ऑप्शन दे देंगे, हीरा दे देंगे, सोना दे देंगे, तांबा देंगे और लोहा दे देंगे, ठीक है। तो किम्बर्ली प्रक्रिया संबंधित हीरा से, और भारत में सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पन्ना में, लेकिन अब पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरा पाए जाने की संभावना बताई गई। कहाँ पर, बक्सवाहा में, तो वो छतरपुर जिले में आता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। देखिए, एक दो क्वेश्चन मुख्यमंत्री से, एक दो क्वेश्चन इस दिवस से पूछे जाएंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज याद रखना है, चाहे वो 25 दिसंबर हो, यानी जो सुशासन दिवस हो, पराक्रम दिवस हो, या योग दिवस हो। योग दिवस से, योग दिवस नहीं पूछा जाएगा, जनरली थीम पूछी जाएगी कि विश्व योग दिवस 2021 की थीम क्या थी, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा आपको एक कदम आगे के क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि अगर पेपर का लेवल टफ हो गया तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना। तो कर्नाटक का अभी 31वां जिला बना है विजयनगर। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन बन सकता है। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य का एक अच्छा वो था, तो हम्पी एक पर्यटक स्थल है, हम्पी से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम्पी किस राज्य में आता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और एक और दे देंगे, ठीक है। तो हम्पी से क्वेश्चन बनते हैं, किस नीति के, ICC की किस नीति के अनुसार 15 वर्ष, मतलब हाँ, ICC ने अभी ये कर दिया है कि 15 वर्ष से कम की एज के कोई भी क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो अभी क्वेश्चन आएगा आपसे कि कितने मिनिमम एज कितनी है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो है 15 वर्ष, यानी 15 ईयर, ICC, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। तो केंद्र सरकार ने गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय यानी 5 ईयर प्लान की शुरुआत की। हाँ, और इकोनॉमी से क्वेश्चन 5 ईयर प्लान वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान से आपको 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आपको बन जाना चाहिए। जैसे लास्ट 5 ईयर प्लान 12 था, 2012 से 2017 तक चला, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो योजना आयोग चलता था पहले, फिर आ गया नीति आयोग, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो, योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना, 2-4 क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन 2022 में कहां पर होगा। हुआ नहीं होगा, तो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 4 साल में होता है। 2018 में हुए थे, ये गोल्ड कोस्ट में हुए थे, कहां पर, शायद ऑस्ट्रेलिया में। अब होंगे 2022 में बर्मिंघम में, बर्मिंघम है इंग्लैंड में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, जैसे अंगले जो खेल होने, वो आपको पढ़ने चाहिए 2022 में, जो होने, जैसे 2022 में फुटबॉल विश्व कप होना है कतर में, ठीक है। और जो अब ओलंपिक होगा 2024 का कहाँ होगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। या क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होगा, कहाँ पर होगा, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। 2020 वर्ल्ड कप 2022 में किस देश में होगा, इस तरह क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है, सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया। सीरी के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। थोड़ा आपको दिल्ली सल्तनत तो मुगल सल्तनत, लूसेंट से हो जाएगी आपकी हिस्ट्री कवर, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो सीरी के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आप भूलते हैं तो थोड़ा आप इनको रिमेंबर करिए, रिवीजन करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है, शायद वो हाँ पद्मावत है, उसमें जो रणवीर सिंह का रोल है वो अलाउद्दीन खिलजी वाला ही रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत में सिक्योरिटी मार्केट के लिए नियम कौन सी संस्था बनाती है? सिक्योरिटी मार्केट के नियम भारत में बनाती है सेबी। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की बैंक है। ब्रिक्स, आपने ब्रिक्स सुना होगा, उसमें ब्रिक्स में देखिए ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश हैं ब्रिक्स में, तो इससे रिलेटेड यह है, ठीक है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो कनाडा ने जो 18वीं शताब्दी की प्रतिमा है उसे भारत में लौटाने का फैसला लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, WTO की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO की पहली महिला निदेशक बनी है नाकोजी ओकोंजो इवियाला। तो नाकोजी ओकोंजो इवियाला हैं जो WTO की पहली महिला निदेशक बनी हैं। देखिए पहली महिला जहां की भी बनी वो सब आपको पढ़ना है, चाहे वो UNCTAD की पहली महिला बनी है तो वो आपको पढ़ना है, या WTO की बनी है, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो सेक्रेटरी जनरल कौन है ये आपको पढ़ना है, या जो भी अभी नई नियुक्ति हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, या जो न्यूज़ में है जैसे WHO न्यूज़ में है तो उसके हेड कहाँ के हैं या किस देश के हैं ये आपको पढ़ना है, कौन है और किस देश के हैं। WTO की जैसे ये हैं, ये अफ्रीका मूल की पहली महिला हैं, तो ये अफ्रीका में किस देश की हैं अभी पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल टफ करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण कब किया गया? मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? अटल टनल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है, और 3 दर्रे और हैं हिमाचल प्रदेश में, एक तो रोहतांग है और 2 और हैं, ठीक है। रोहतांग है और सिपकीला है और शायद बड़ा लाचा भी है, तो 3 दर्रे हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये 3 दर्रे किस राज्य में हैं, वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए ओलंपिक भी हुए इस वर्ष और अभी पैरा ओलंपिक भी हुए, ठीक है, तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है बोन जर्मनी में। इसके अलावा जो ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है। इस बार शायद MPPSC में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कहाँ पर भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस अभी न्यूज में हैं, उनकी 125वीं जयंती मनाई गई और 23 जनवरी को भारत सरकार ने पहली बार पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की है। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी इंडिया स्ट्रगल, या सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह जिनकी भी स्थापना की है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, इनके बारे में आपको थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन थोड़े से डीप में आ जाते हैं, तो आपको इनसे कम से कम 5-6 के ऑब्जेक्टिव तो बनना ही चाहिए। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको 5-6 कहने, कौन सी स्थापना की, किसी चीज़ की, जन्मदिवस कब है, इनसे रिलेटेड, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सब आपको बनना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में। सिंगापुर से भारत में सबसे ज़्यादा FDI आती है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से सबसे ज़्यादा पैसा भारत में जो इन्वेस्ट होता है वो होता है सिंगापुर से, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, यानी इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडियन इकोनॉमी कौन सी है, तो इंडियन इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। इसके अलावा ये क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, या जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, चेयरमैन कौन है, ठीक है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत के बाहर जो विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वो हुआ अमेरिका में। अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में अमेरिका में जो भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। तो योग से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है और विश्व योग दिवस 2021 की थीम क्या थी, ये 2-3 क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, बाकी इससे डिटेल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो अमेरिका है यहाँ पर 2028 का ओलंपिक होना है, 24 का कहाँ, फ्रांस में, अभी 20 का हुआ नहीं था, 21 में कहाँ हुआ, टोक्यो में, फिर 24 का फ्रांस, 28 अमेरिका और 32 ऑस्ट्रेलिया, यह याद रखिए आप सब। नेक्स्ट, ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग हैं पर्यावरण कार्यकर्ता, किस देश की हैं यह क्वेश्चन बन सकता है, तो यह आप पढ़ लीजिए। संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए मेन नागरिकता अधिनियम हुआ था 1955 में, अभी जो 2019 में हुआ अमेंडमेंट है, तो यह भी पूछा जा सकता है यह 2019 में कब हुआ। तो बाकी मेन अधिनियम पूछा जाए तो आपको 1955 लगाना है, तो संसद में जो नागरिकता अधिनियम पारित हुआ 1955 में। एक आध क्वेश्चन अधिनियम से बन जाता है कि RTI एक्ट कब आया, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, या मनरेगा एक्ट कब आया, या RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, सीधे सीधे पूछ लेते हैं यह एक्ट किस वर्ष आया, जो न्यूज़ में रहते हैं एक्ट उनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां यानी 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है, वो पंचायत से संबंधित है।
जो संविधान में जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है वो भारत ने कहाँ से ली थी, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक आर्टिकल है 368 यानी अनुच्छेद 368 368 आर्टिकल है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ओलंपिक पदक पाने वाली, और एक और बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, नेशनल इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी, मतलब नेशनल इमरजेंसी भारत में अभी तक कितनी बार लगी है और कब कब लगी है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक में जो मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, और ये शायद वेटलिफ्टिंग में लाई थी, मैंने एक बार आपको क्वेश्चन करवाया भी था, और शायद जो मुझे याद नहीं आ रहा 2000 का सिडनी ओलंपिक था उसमें लाई थी। अभी जैसे पी वी सिंधु हैं जो पहली महिला बन गई हैं जो दो रेगुलर ओलंपिक में मेडल लाई, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। वो जो खेल रत्न पुरस्कार होते थे अब इनका नाम चेंज कर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे पहले, अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। तो आपको इम्पोर्टेंट बुक पढ़नी है कपिल देव की, और एक और सुरेश रैना की है, उन्होंने अभी संन्यास लिया है तो इसलिए उनकी बुक पूछी जा सकती है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए ये दिवस आप पढ़ लीजिए, जैसे जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, और जैव विविधता दिवस है, तीनों लाइन्स हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए। टेनिस में कुल कितने ग्रैंड स्लैम प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं, तो टेनिस में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं, जैसे ये होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन वगैरह ये होते हैं, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो इनसे क्वेश्चन भी बनता है कि 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, या 2021 का जो यूएस ओपन किसने जीता। जो मेन पूछा जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जाता है और फ्रेंच ओपन पूछा जाता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन एक आध दो बन जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। 4-5 प्रोजेक्ट आते हैं, नीचे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आता है, एक प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है, ये 4 प्रोजेक्ट हैं, 3-4 इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो भिलाई इस्पात कारखाना है यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब जैसे आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ेंगे, जैसे यह है आ गया तो रूस को थोड़े आप दिमाग में लगाएं कि रूस से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भारत रूस से S-400 खरीद रहा है, S-400 क्या है, एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना, तो भारत एक S-400 किससे खरीद रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो रूस से खरीद रहा है, ठीक है। इसके अलावा रूस है जो आपने एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुना होगा, यानी जो उसमें 5 देश परमानेंट और 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं, तो टोटल 15 हुआ, ठीक है, तो उन 5 परमानेंट में रूस भी है, यह याद रखना है। या रूस पहले आपने एक शब्द सुना होगा सोवियत संघ, ये सब रूसी था, बाद में टूट गया है, अब रूस बन गया, पहले सोवियत संघ था, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है जो रक्त का। इसके अलावा रक्त की खोज किसने की, ये सब आपको पढ़ना है, तो रक्त समूह की खोज किसने की, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक भूमिका निभाता है, तो रक्त का थक्का जमाने में जो मेन भूमिका निभाता है विटामिन की, विटामिन मिनरल, विटामिन से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जैसे विटामिन ए किसका मैंने मेन स्रोत, किस चीज़ में विटामिन ए है, ठीक है, जैसे गाजर है तो गाजर किसका मेन स्रोत है। इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, या सी की या डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। या गाजर में मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो विटामिन मिनरल थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन से क्वेश्चन बनता है, जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन का जो क्षरण हो रहा है किस मुख्यतः किस गैस के कारण हो रहा है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता खैर, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन का क्षरण हो रहा है CFC गैस से। आपने के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं यानी फ्रिज वगैरह, और एयर कंडीशनर यानी AC वगैरह, तो इनमें जो गैस वो पाई जाती है उससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और ओजोन है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है क्वेश्चन बनता है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। और वो जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, ठीक है, सूर्य द्वारा कुछ पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उससे रोकती है जो ओजोन जो लेयर है, अब वो नष्ट हो जाएगी तो डायरेक्ट मतलब पूछा जाता है कि ओजोन अगर नष्ट हो गई तो क्या होगा, तो देखिए स्किन डिसीजेस होती हैं, कैंसर वगैरह की बीमारी बढ़ जाएगी और डायरेक्ट सनलाइट आएगी, ठीक है। अब अंटार्कटिका में छेद भी हो गया था 1985 के आसपास, यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है, तो ई श्रीधरन को, यह आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है मेट्रोमैन।
तो मेट्रो मैन कौन है? ई श्रीधरन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों आपको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे जे थॉमसन द्वारा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चैडविक ने किसकी खोज की थी, ठीक है, या ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, या ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप है फुटबॉल से संबंधित। कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला? तो 5 खिलाड़ियों को मिला, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? स्वच्छ भारत मिशन होता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। किस देश ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़कर फिर वापसी कर ली? देखिए, कॉमनवेल्थ की जो इसमें मालदीव था, मालदीव ने पहली सदस्यता कॉमनवेल्थ की छोड़ दी, अब उसमें फिर से ज्वाइन हो गया। तो मालदीव देश है और भारत के दक्षिण में स्थित है। मालदीव की कैपिटल माले है। कौन सा राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य बना? तो सिक्किम है। सिक्किम 36 जो अमेंडमेंट हुआ था उस द्वारा पूर्ण राज्य बना 1975 में। बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो बाघों यानी टाइगर, टाइगर का सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है, बांधवगढ़। और जो टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा तेंदुए, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिए। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है विश्व के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं। बंद अर्थव्यवस्था में आप कौन सा देश रख सकते हैं? जैसे नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया आपने सुना होगा, मतलब उसे किसी, मतलब वो एक बंद अर्थव्यवस्था टाइप में है, जैसे वो सिर्फ चीन से ज़्यादातर व्यापार करता है, ठीक है, 97% के आसपास उसका व्यापार सिर्फ चीन से होता है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन को सुना होगा, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण हेतु मुख्यतः कौन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत, देखिए अभी देखा था हम लोगों ने ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, तो उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। मुख्यतः पूछा गया है मेनली, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। कॉफ़ी, चाय, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जैसे यूपी है, या दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश है तो चना है, दलहन है, तिलहन है, सोयाबीन है, इनमें सब में एमपी है, तो कुछ चीज़ों में यूपी है, तो एमपी, यूपी और ये पंजाब वगैरह किस किस चीज़ में टॉप पे हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा धान का पूछा जाता है कि जो चावल धान है इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बना है नर्मदा नदी पर, और सरदार पटेल से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो कहाँ पर है, किस ज़िले में है, और कितनी उसकी हाइट है, जैसे जितनी भी है इससे क्वेश्चन भी बनना है, ठीक है। सरदार पटेल का जो जन्म दिवस उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आयरन मैन कहा जाता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की क्षमता कितनी है? रीवा अल्ट्रा 16 जो परियोजना है इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की क्षमता है 750 मेगावाट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में है, मैंने आपको बस बताना, अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। सोगोली की संधि किस युद्ध के पश्चात की गई थी? सोगोली की संधि हुई थी एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात, नेपाल युद्ध के पश्चात हुई थी। कब हुई थी यह क्वेश्चन भी बनता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी, विलियम जोन्स वगैरह थे इसमें, उन्होंने इसकी की थी। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। तो ये थे आज के क्वेश्चन, हम लोग फिर देखेंगे, एक वीडियो और देखेंगे अभी, और फिर हर दिन वीडियो आएगी, ठीक है। जैसे अब आपको क्या पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है तो आप लूसेंट से तो पढ़ ही रहे हैं, अब जैसे आप महात्मा गांधी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी जैसे वो दांडी यात्रा थी वो चर्चा में थी, या कौन कौन से आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, इसके अलावा सरदार पटेल को पढ़ लीजिए आप, कौन कौन सी बुक हैं, या इनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, गीतांजलि वगैरह से संबंधित थे, या नोबेल पुरस्कार कब मिला, या सुभाष चंद्र बोस हैं, किस 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 चीज़ की स्थापना की, ठीक है, या किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने, तो कांग्रेस, और इसके अलावा आपको कांग्रेस के सेशन भी पढ़ना है कि जो कौन सी पहली महिला थी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, या भारतीय पहली ऐसी कौन सी महिला थी इन्होंने की, ठीक है, जिसमें जैसे एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग करंट अफेयर्स भी देख लेंगे, और आप ज़्यादातर चीज़ें कवर कर रहे हैं बुक से, और कुछ करंट अफेयर्स का रह जाएगा तो वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।